गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ नैतिक शिक्षा में पार्ट दो भारत माता के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत माता के चरण प्रखारता हिंद महासागर किस दिशा में है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि भारत माता के चरण प्रखारता हिंद महासागर दक्षिण दिशा में है। ठीक है, पूरी लाइन में आपको आंसर लिखना है। भगवान के प्रमुख दो अवतार उत्तर प्रदेश में किन स्थानों पर स्थित हैं? तो आप लिखेंगे भगवान के दो प्रमुख अवतार, एक तो कौन से हैं, मथुरा में श्री कृष्ण जी हैं और अयोध्या में भगवान श्री राम हैं। मातृभूमि भारत का मुकुट किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें आंसर लिखेंगे आप कश्मीर को। मातृभूमि भारत का मुकुट कश्मीर को कहा जाता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है और उसके रचयिता का नाम लिखिए? तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है और उसके रचयिता कौन है? उसके रचयिता बंकिम चंद चटर्जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवा ध्वज किसका प्रतीक है? तो भगवा ध्वज हिंदुत्व का प्रतीक है। ये पाँचों क्वेश्चन आप कॉपी में कर लेंगे। आगे देखिए, रिक्त स्थान। हमारी प्यारी मातृभूमि का स्वरूप विश्व में सबसे सुंदर है। आगे, गौरव मंडित संस्कृति ने संपूर्ण विश्व को अपने नाम से आलोकित कर दिया। पश्चिम में अरावली की पर्वत मालाएं हैं और हमारा विशाल हृदय विश्व की समस्त ऋतुओं को संजोए है। ये आप खालिस्तान कर देना। आगे चलते हैं, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो हरिद्वार में किस सन में स्वामी सत्यमित्रानंद ने भारत माता मंदिर बनवाया? तो आप इसका आंसर लगाएंगे 1983 में। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को कितनी भुजाधारी हिंदू देवी के स्वरूप में चित्रित किया? तो चार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मध्य किस शताब्दी के अंतिम दिनों में भारत माता की छवि बनी? तो 19वीं। मातृभूमि का स्वरूप विश्व में माना गया है सुंदर। जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है वे पुरुष हैं। कौन से पुरुष हैं वे? सौभाग्यशाली। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो आप ये सब अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।